मेरे चैनल पे बहुत सी अच्छी और मज़े मज़े की वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान रखें। आज हम बना रहे हैं खलीफा की नान खताई, जो कि लाहौर की मशहूर सौगात है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है और इसको स्ट्रेनर से हमने स्ट्रेन कर लिया। पिसी हुई चीनी 1 कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाला है। इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1/2 कप बादाम डाले हैं। बादाम अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये घी है, इसको हमने मेल्ट किया हुआ है। ये 1/2 कप घी का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारी चीजों को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये ऐसे मुट्ठी दबा के देखें, ये देखिए हमारी मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा बैटर है वो परफेक्ट रेडी हो गया। चले आइए खताइयां स्टार्ट करते हैं। देशी को हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब ये सारी खताइयां हमने इसके अंदर रखी हैं और ये जो अंडे की जर्दी है इसको मिक्स करके, ये देखें, ये इसके ऊपर लगाना है। इससे खताइयों के ऊपर प्यारा सा कलर आएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 25 मिनट के लिए बेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट लगी हैं और हमारी नान खलीफा की नान खताइयां बहुत अच्छी सी बेक हो गई हैं। अगर आपको इन पे कलर लाइट लगे तो आप इनकी साइड चेंज कर सकते हैं, ताकि ये जो ऊपर वाली अंडे वाली साइड है इस पे भी प्यारा सा कलर आ जाए। चलिए आइए अब इसे डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नान खताइयां रेडी हो गई हैं। देखने में भी इनका लुक बहुत अच्छा है और ये बहुत मजे की और बहुत टेस्टी बनी है। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। ये देखें ये कितनी सॉफ्ट बनी है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। अच्छा जी, आप इजाजत दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।